चलिए फ्रेंड्स, मैं वर्क एनर्जी पावर में आर्टिकल नंबर 6.12 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें आपको कोलिशन की थ्योरी पढ़ाई थी। अब हम इसकी मैथमेटिक्स पे जा रहे हैं। 6.12.2 कह रहा है कोलिशंस इन वन डायमेंशन, हेडिंग दे सकते हैं कोलिशंस इन वन डायमेंशन। कोलिशंस इन वन डायमेंशन का मतलब यह है कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद दोनों बॉडीज सेम स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इनमें यहाँ पे टक्कर हुई और टक्कर के बाद ये यहाँ जा रहे हैं, ये सब सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। वन डायमेंशन का मतलब तो वन डायरेक्शन होता है, वन डायमेंशन मतलब वन डायरेक्शन, तो यही लिख दीजिए बोथ द बॉडीज मूव इन द सेम स्ट्रेट लाइन, बोथ द बॉडीज मूव इन द सेम स्ट्रेट लाइन both before and after the collision, both the bodies move in the same straight line both before and after the collision. तो अब इसमें हेडिंग दे दीजिए, हम पहले पढ़ा रहे हैं completely inelastic collision, completely inelastic collision. अगर सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, जो इसके पहले इसने फिगर 6.10 दिखाया था ना, जहां थीटा वन थीटा टू दिखाए थे, तो इस हेडिंग के ऊपर जो आपने लिखा है कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, इसके ऊपर कहीं जगह ढूंढ के लिख दीजिए कि थीटा वन इज इक्वल टू जीरो एंड थीटा टू इज इक्वल टू जीरो। अगर सेम स्ट्रेट लाइन है तो जो फिगर इसने बनाया है, इसने जो फिगर बनाया है जनरल वाला, वो ये बताया कि राइट कॉल होती है, राइट कॉल होती है और कॉलिजन के बाद एक यहाँ जाती है और एक यहाँ जाती है, ये थीटा वन और थीटा टू है। तो अगर वन डायमेंशनल कॉलिजन है, हमें वन डायमेंशनल ही केवल हमारे सिलेबस में है, उसी पर केवल हमें ढंग से पढ़ना है, उसी को डिटेल में, तो हम तो ये मानेंगे थीटा वन जीरो है और थीटा टू जीरो है, तभी तो ये भी यही जाएगी और ये भी यही जाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप जहाँ पर लिखा है थीटा वन इज इक्वल टू जीरो एंड थीटा टू इज इक्वल टू जीरो, इसे कट कर दीजिए, इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। ये वाला तो डायग्राम थोड़ा डरावना है, इस डायग्राम की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग इन्होंने कठिन डायग्राम से लिया है, आसान केस तो वही है कि टक्कर के पहले भी और टक्कर के बाद भी सभी एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, उसको मोशन इन वन डायमेंशन कहा जाता है। अब कह रहा है अगर कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो थीटा वन इज़ थीटा टू इज़ जीरो, ये बात तो सही है, और बाकी हम लोग समझते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक में एक चीज हमने पढ़ी है ऐसा लिख दीजिए फिर से कि इन कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन बोथ द बॉडीज कंबाइन टुगेदर एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी एंड द कंबाइंड मास मूव्स विद अ कॉमन वेलोसिटी। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में बस हमें इतना ही जानना है, इतना याद करना है समय आने पर। जैसे ही कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आता है और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात की जाती है, आप अपने आप से केवल एक बात कही है कि अगर ये कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है तो दोनों बॉडीज चिपक जाएंगी और कॉमन वेलोसिटी के रूप से कॉमन वेलोसिटी से चलेंगी, बस यही इसका मैथमेटिकल पार्ट है। अगर आप दौड़ते दौड़ते अचानक एक बस में चढ़ गए तो बाद में आप भी बस का एक पार्ट हो गए, आपकी वेलोसिटी और बस की वेलोसिटी सेम हो गई, इसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एक एग्जांपल बोल सकते हैं। जब भी फाइनली दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएं, जब भी टक्कर के बाद दोनों कंबाइंड मास हो जाएं और दोनों सेम वेलोसिटी से चलें एज वन बॉडी टुगेदर ऑफ मास m1 + m2, तो इसको परफेक्टली या कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। अब सवाल यह उठता है कि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में हम लोग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखें या मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखें, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में होता है, यहाँ केवल मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन आएगी, तो ऐसा लिख दीजिए बीइंग इन इलास्टिक वी कैन नॉट अप्लाई इक्वेशन ऑफ के कंजर्वेशन। इन इलास्टिक है तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन नहीं लिख सकते, इन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, सो एक ही चॉइस बची है हमारे पास, और बल्कि वही हमें पहले ही ध्यान आनी चाहिए थी। अगली लाइन में लिख दीजिए, दस यू विल अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन।
सब ये बीइंग देखो, इनइलास्टिक के बाद क्या लिखना है डेफिनेशन में? फिर से पूछे। हाँ, सब बीइंग बीइंग इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, वी कैन नॉट अप्लाई द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं है। केवल जो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं, उन्हीं में कई कंजर्व रहती है। ये तो ऐसे ही मैंने रिवाइज करवाने के लिए आपसे ये बात कही। पहला ध्यान तो हमारा सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही जाता है, हमारा सबसे पहले ध्यान मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही जाना चाहिए, चाहे कोई भी केस हो। इलास्टिक कोलिजन होगा तो हाँ एडिशनली कई कंजर्व रहती है। अब की बार मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखूंगा, सो मैं बोलूंगा कि मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम मतलब बोथ द बॉडीज, बोथ द कोलाइडिंग बॉडीज इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। यही हमारा असली गॉड इस पूरे चैप्टर में, शायद जो इक्वेशन हर सवाल में लगाई जा सकती है वो है मोमेंटम कंजर्वेशन। हर केस में, हर सिचुएशन में जो यूनिवर्सली इक्वेशन लगाई जा सकती है वो है मोमेंटम कंजर्वेशन। वो तो केई वाली बात ऐसी रिवाइज कराने के लिहाज से मैंने बोल दी, वरना मुझे इस समय सीधे अपना ध्यान मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही ले जाना चाहिए था। मतलब फर्स्ट मास का मोमेंटम बिफोर द कोलिजन प्लस सेकेंड मास का मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू फर्स्ट मास का मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन प्लस सेकेंड मास का मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। पूरे सिस्टम का मोमेंटम टक्कर के पहले इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का टक्कर मोमेंटम टक्कर के बाद, और सिस्टम में दोनों मास आ रहे हैं तो पहले मास का मोमेंटम एम वी, पहले मास का एम वी टक्कर के पहले और दूसरे मास का एम वी टक्कर के पहले इज इक्वल टू पहले मास का एम वी टक्कर के बाद प्लस दूसरे मास का एम वी टक्कर के बाद। और एक जानकारी हमें है कि टक्कर के बाद इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, कॉमन वेलोसिटी से दोनों बॉडीज चल रही है, कंबाइंड मास की तरह कंबाइंड मास बनके एम वन प्लस एम टू का मास बनके दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रही है। तो इसमें ये स्पेशल केस शायद दे रहा है, ये स्पेशल केस दे रहा है। मैं तो जनरल, मैं तो इसे इस तरह से लिखना चाहूंगा, मैं थोड़ी जनरल इक्वेशन लिख देता हूं कि m1 into v1 इनिशियल प्लस m2 into v2 इनिशियल इज इक्वल टू m1 into v1 फाइनल प्लस m2 into v2 फाइनल। मैं ऐसा लिख देता हूं। मोमेंटम कंजर्वेशन की एक्चुअल इक्वेशन तो ये है, वेलोसिटी को इसने v1, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को v1 नाम दिया है, m1 की वेलोसिटी को v1 का है। तो एक टक्कर के पहले जो v1 है वो v1 इनिशियल है, v1 i है, और टक्कर के बाद जो v1 है वो v1 f है। और कायदे से मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, एक्चुअली ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा लिख दीजिए मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो द अबव इक्वेशन शुड बी रिटन इन वेक्टर नोटेशन। Momentum is a vector quantity, so we should take vector sum. We should take vector sum of initial momentum and final momentum. Momentum is a vector quantity, so we should take vector sum. मतलब कायदे से तो ये मैंने मेरे को कहना चाहिए कि टक्कर के पहले दोनों बॉडीज के मोमेंटम्स का वेक्टर सम इज इक्वल टू टक्कर के बाद दोनों बॉडीज के मोमेंटम्स का वेक्टर सम। ऐसा भी दोबारा लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए वेक्टर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स ऑफ बोथ द बॉडीज बिफोर द कॉलिजन, वेक्टर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज
बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स ऑफ बोथ द बॉडीज वेक्टर सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स ऑफ बोथ द बॉडीज आफ्टर द कोलिजन. एक्चुअली तो स्टेटमेंट ये है कि दोनों वेक्टर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज आफ्टर द कोलिजन. ठीक है, पर क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है आपकी बार वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना, इसलिए इस समय हम वेक्टर नोटेशन को ड्रॉप भी कर सकते हैं. ऐसा लिख दीजिए हेयर हेयर सिंस मोशन टेक्स प्लेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन. अब जो डिस्कशन अब हम करने वाले हैं उनमें हम लोग ये वेक्टर नोटेशन ड्रॉप करेंगे. हेयर सिंस द मोशन टेक्स प्लेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन देन फॉर सिंप्लिसिटी वेक्टर नोटेशन कैन बी ड्रॉप. फॉर सिंप्लिसिटी वेक्टर नोटेशन कैन बी ड्रॉप एंड इंस्टेड ऑफ वेक्टर सम वी कैन टेक ऑर्डिनरी सम. वेक्टर सम के बजाय हम ऑर्डिनरी अलजेब्रिक सम ले सकते हैं. इसलिए हम इस इक्वेशन में से इसको हटा दें. ये मोमेंटम कंजर्वेशन की एकदम जनरल इक्वेशन है. M1 का टक्कर के पहले, M2 का टक्कर के पहले, M1 का टक्कर के बाद और M2 का टक्कर के बाद. ये M1 का है टक्कर के पहले, ये M2 का है टक्कर के पहले, ये M1 का है टक्कर के बाद और ये M2 का है टक्कर के बाद. अब इसमें एक चीज मुझे ये मालूम है कि V2 is equal to zero. Suppose M2 V2 I. तो अभी तो मैं काम करता हूँ सर, ऐसा नहीं होता. मैं कहता हूं अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है बीइंग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है v1f इज इक्वल टू v2f फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होगी ना, फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होगी. इसको मैं v कॉमन कह सकता हूं, इसको इससे पूरा vf ही कहते हैं. आप चाहो तो इसे भी कॉमन भी कह सकते हो. ये फाइनल वेलोसिटी तो दोनों की सेम ही है, तो क्या वन और क्या टू. तो एम वन वी वन इनिशियल, एम वन वी वन इनिशियल प्लस एम टू वी टू इनिशियल इज इक्वल टू एम वन वी एफ प्लस एम टू वी एफ. तो एम वन वी वन इनिशियल प्लस एम टू वी टू इनिशियल इसी को m1 plus m2 into vf जो फाइनल वेलोसिटी है, या जो कॉमन वेलोसिटी है पूरे सिस्टम की कंबाइंड मास की, वो है m1 v1 i plus m2 v2 i upon m1 plus m2. ये फॉर्मूला पांच स्टार देने लायक है. आप इतनी सारी बातें दोबारा ना करें. अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हैं. ये है v1 i और ये है v2 i. अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को कायदे से तो वैसे u कहना चाहिए था. मुझे तो ज्यादा फॉर्मूला जो पसंद है वो ये है v कॉमन इज m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. मुझे जो ज्यादा पसंद है वो ये है, एनसीईआरटी ने ये सिंबल्स यूज किए हैं इसलिए मैं भी यही आपको सिखा रहा हूँ. वी वन आई मतलब वी वन की इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, और वी टू आई मतलब सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी. और यहाँ शायद अगर आपको इस फॉर्मूले की आदत पड़ती है तो आप इसकी भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियरली समझ लीजिए, यू वन इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक बॉडी की यू वन इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड यू टू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टारगेट. जिसने आके टक्कर मारी है उसका नाम प्रोजेक्टाइल है, और जिसको टक्कर पड़ी है टू टारगेट की है जिसको की टक्कर पड़ी है. टफ और टारगेट. कॉमन वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, हालांकि स्टेप ज्यादा इन्वॉल्व है नहीं.
अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो दोनों कॉमन वेलोसिटी से कंबाइंड मास चलता है, कंबाइंड मास चलता है इसीलिए तो नीचे प्लस आ रहा है। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 ही आता है, m1 माइनस m2 शायद ही कभी आता हो पूरी की पूरी फिजिक्स में। नीचे मास हमेशा m1 प्लस m2 ही आता है। खैर इस पर ध्यान दें, ये मोमेंटम कंजर्वेशन है। इनिशियल मोमेंटम पहली बॉल का, इनिशियल मोमेंटम दूसरी बॉल का, फाइनल मोमेंटम पहली बॉल का, फाइनल मोमेंटम दूसरी बॉल का, और टक्कर के पहले कोलिजन के दरमियान क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता तो मोमेंटम कंजर्वड है। टक्कर के पहले पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टक्कर के बाद पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। तो ये तो जनरल इक्वेशन हो गई, ये जनरल इक्वेशन हो गई। अब अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक है तो मैं इन दोनों को एक सेम नेम दे सकता, तो ये भी vf है और ये भी vf। बस तो ये हां इंपॉर्टेंट है ध्यान दें। अब इसमें लिख दीजिए स्पेशल केस, स्पेशल केस और लिख दीजिए m2 इज इनिशियली एट रेस्ट, m2 इनिशियली रेस्ट पर है, and it is a case of perfectly inelastic collision, m2 initially rest par hai. Main to basic se hi begin karta hu, main is formula ko use nahi karta. m2 agar initially rest par hai to main ye bolunga m1 v1 i plus 0, to m2 wala term ka pata ho jayega is equal to m1 plus m2 into v common v final, to v final ka aapke paas formula aa jayega m1 v1 वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो v2 इनिशियल 0 है, तो ये वाला पूरे टर्म में एक ही चीज जीरो होगी तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। m2 into v2 initial, तो v2 initial जीरो है, तो वाला पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो अगर m2 रेस्ट पर है, सेकंड ऑब्जेक्ट टारगेट रेस्ट पर है, तो कंबाइंड वेलोसिटी हमने निकाल ही लेंगे। ये शायद डेरिवेशन से ही हर बार इक्वेशन लिखी जाए, आसान रहेगी, बढ़िया रहेगी। हर बार आप इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन को हर बार बेसिक से ही लिखें, रिजल्ट धीरे धीरे अपने आप याद हो जाए तो एक अलग बात है, पर आपको बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन से ही स्टार्ट करें, इसकी बड़ी आसान सी इक्वेशन रहती है। और सवाल जितना ज्यादा बेसिक से करेंगे उतनी सिली मिस्टेक की संभावना कम होती चली जाएगी। हाँ ऐसा भी ना हो कि आपको एक डेरिवेशन में 50-60 सेकंड लग रहे हैं, एक डेढ़ मिनट डेरिवेशन में ही लग रहा है, शुरू में तो चलेगा, एग्जाम हॉल में अगर आपको एक मिनट डेरिवेशन में ही लग गया तो फिर दिक्कत। अगर 15-20-30-40 सेकंड में भी आप 30 सेकंड तक आपको डेरिवेशन कर सकते हैं तो फिर बेसिक से करना ज्यादा प्रेफरेबल। खैर अब आप हेडिंग दे दीजिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन अ कोलिजन, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन अ, ऑफ कोर्स मैं हमेशा हमें अब वन डायमेंशनल की ही बात करूंगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन वन डायमेंशनल कोलिजन, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन वन डायमेंशनल कोलिजन। तो अब ब्रैकेट में लिख दीजिए, चलिए इन इलास्टिक कोलिजन है ये, इन वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता, अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो के ई कंजर्व्ड होती। पहले तो अगली लाइन में लिखी दीजिए लॉस इन के ई, लॉस इन के ई इन क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए कैलकुलेट अ लॉस इन के ड्यूरिंग एन इलास्टिक कोलिजन, कैलकुलेट द लॉस इन के ड्यूरिंग एन इलास्टिक कोलिजन, और उसका आंसर है जीरो। इलास्टिक कोलिजन में के ई इज कंजर्व, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इलास्टिक कोलिजन में अगर वो इलास्टिक कोलिजन में अगर वो आपको निकालने को कहता है लॉस, तो कायदे से तो आपको इसका आंसर जीरो देना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन में अगर वो लॉस निकालने को कहता है तो इसका आंसर जीरो देना चाहिए। कई बार ऑप्शन इससे मैच नहीं करते, वो कुछ बातें शायद हम और आपको बाद में क्लियर करेंगे। अभी तो आप इसी बात पे बिल्कुल फर्म रहिए कि यार अगर इलास्टिक कोलिजन है आप साफ साफ कह रहे हैं तो मतलब फिर के ई पहले और के ई बाद में कंजर्व्ड,
हम उस बात को ज्यादा ना सोचें कि थोड़ी देर बीच में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉलेजन कई कंजर्व नहीं थी, क्योंकि थोड़ी देर कई पीए में कन्वर्ट हो गई थी, उस बात को बार बार ध्यान में ना लाएं, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाएगा। तो अब जरूर लॉस इन के ई की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये इनलास्टिक कोलिजन भी होगा। तो लॉस इन के ई के मैं जनरल स्टेप समझता हूँ, और फिर एक्चुअली तो मुझे लॉस इन के ई परफेक्टली इनलास्टिक में ही जाना है, ये परफेक्टली इनलास्टिक के बारे में ही सब कुछ पढ़ा रहा है। पर लॉस इन के ई मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और लॉस इन के ई को मैं जनरल मीनिंग देना चाहता हूँ, इट इज इक्वल टू के ई इनिशियल के ई ऑफ द सिस्टम। मतलब पहले तो मुझे कहने चाहिए कि भाई के ई तो लॉस होती है, तो फाइनल के ई इज लेस देन इनिशियल के ई, इनिशियल के ई ऑफ द सिस्टम माइनस के ई फाइनल ऑफ द सिस्टम। मैं लिखवाता हूँ अभी एक मिनट, तब आपको ठीक है। पहले तो यही लिखी है कि इन इन और फिर स्पेस देके इन इलास्टिक कॉलिजन, या चलिए पूरा ऐसा लिखते हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन इन इलास्टिक कॉलिजन में सम के ई इज लॉस्ट, इन एंड इन इलास्टिक कॉलिजन सम के ई इज लॉस्ट, इन इलास्टिक कॉलिजन में कुछ के ई लूज होती है, इन एंड इन इलास्टिक कॉलिजन सम के ई इज लॉस्ट। सो फाइनल के ई ऑफ द सिस्टम, फाइनल के ई ऑफ द सिस्टम इज लेस देन इनिशियल के ई, फाइनल के ई ऑफ द सिस्टम इज लेस देन इनिशियल के ई। कुछ एनर्जी लूज हुई है, चाहे वो हीट में गई है चाहे साउंड में गई है, कुछ काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, अब कुछ एनर्जी मेरी काइनेटिक के रूप में मेरे पास नहीं है। वैसे मैं आपको अगर एक एक्स्ट्रा बात बताऊंगा तो अब आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाएगा कि हमेशा ये सच नहीं होता कि फाइनल के ई कम होती है। वो सिचुएशन के बारे में अगर मैंने यहाँ इतना भी खैर कह दिया तो वैसे भी आपका अब पकड़ कमजोर तो हो ही गया आपका ये कॉन्फिडेंस कि के ई फाइनल इज ऑलवेज लेस देन के ई इनिशियल। तो आप उसी चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि मत पढ़ना, हम कह रहे हैं उस बात की तरफ ध्यान मत देना कि कभी कभी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा भी होती है। तो आपको यही समझना होगा कि यार जब पढ़ाएंगे तो अगर इंपॉर्टेंट होगा तो इनको झक मार के खुद ही पढ़ाना पड़ेगा, हम उस बारे में दिमाग क्यों लगाएं। कभी कभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कॉलिजन में ज्यादा भी होती है, पर कृपया फिलहाल आप इसी बात, इसलिए मैंने ऑलवेज नहीं लिखवाया है, हद से ज्यादा ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं नॉट ऑलवेज, और उस थियोरी के बारे में ज्यादा ध्यान ना दें, थियोरी तो वैसे भी सारी यूजलेस ही होती है। फिलहाल तो हाँ ये सही है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरे रूप में गई है और इसलिए फाइनल के ही कम है, और अगर मेरे को लॉस निकालना है तो लॉस को कभी भी नेगेटिव साइन के साथ नहीं निकाला जाता, लॉस है बड़ा माइनस छोटा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी तो मैं पूरे सिस्टम की इनिशियल के लिए माइनस पूरे सिस्टम की फाइनल के ही करूंगा, इट इज इक्वल टू बिग बिग माइनस स्मॉल, बिकॉज लॉस इज नेवर रिपोर्टेड विद नेगेटिव साइन। लॉस को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ कभी नहीं कहते, इसलिए लॉस होता है हमेशा बड़ा माइनस छोटा, ताकि कैलकुलेशन से आंसर अपने आप ही पॉजिटिव आ जाए। लॉस इन केई भी अच्छी इंपॉर्टेंट है, हाँ अगर ये फोर्स वोर्स से रिलेटेड कोई बात होती ना तो प्रॉब्लम हो सकती थी, पर काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसके डिस्कशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये आसान सा ही डिस्कशन है, थोड़ा बड़ा जरूर लग सकता है, इसे मैं डेल्टा केई नहीं कह सकता, लॉस को हम डेल्टा नहीं कह सकते, डेल्टा मतलब होता है चेंज। तो लॉस का एक्चुअल लॉस इन के ई का फॉर्मूला मालूम है क्या आएगा, ये आएगा हाफ एम वन वी वन आई का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू आई का स्क्वायर, सॉरी पूरे का स्क्वायर नहीं है ये, अगर ये पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो आपको ध्यान रखना है स्क्वायर पूरे तो कभी नहीं लगना चाहिए, तो वार्निंग पहले लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए कि स्क्वायर शुड बी ऑन इंडिविजुअल वेलोसिटी टर्म, स्क्वायर इंडिविजुअल वेलोसिटी टर्म पे होना चाहिए, नॉट ऑन द एंटायर ब्रैकेट। स्क्वायर जो होना चाहिए वो इंडिविजुअल वेलोसिटी टर्म पे होना चाहिए, पूरे ब्रैकेट पे नहीं होना चाहिए। और फाइनल के ई ऑफ सिस्टम ये है माइनस हाफ m1 v1
फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू बी टू फाइनल का स्क्वायर। फिर वही गलती हो रही है ये भाई, पहले मेरे पास सिस्टम में दो मासेस है m1 m2, तो पहले मैं m1 की काइनेटिक एनर्जी और m2 की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देता हूं, ये पूरी सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और बाद में मैं फाइनल वेलोसिटी फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की ऐड कर देता हूं। m1 की पहले काइनेटिक एनर्जी प्लस m2 की पहले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। m1 की पहले काइनेटिक एनर्जी प्लस m2 की पहले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और m1 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी और m2 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पूरे सिस्टम की बाद में काइनेटिक एनर्जी। ये एक ऐसा स्टेप है जिसकी कहीं कहीं जरूरत पड़ सकती है, आप मैं इस पे 2 ही स्टार वैसे दूंगा, हालांकि प्योर मैथमेटिक्स है, समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एक बढ़िया केस है, तो पूरे सिस्टम की यानी दोनों मासेस की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पूरे सिस्टम की यानी दोनों मासेस की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो पहले मास की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस दूसरे मास की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इधर इस ब्रैकेट के अंदर पहले मास की काइनेटिक एनर्जी फाइनल और दूसरे मास की काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दोनों की काइनेटिक एनर्जी पहले माइनस दोनों की काइनेटिक एनर्जी बाद में, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। अब इसको अगर हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ले जाएं, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ले जाएं फॉर अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये हो जाएगा लॉस इन के का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ m1 v फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v फाइनल का स्क्वायर। क्योंकि अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो एक बात पक्की है कि टक्कर के बाद दोनों कंबाइंड मास की तरह सेम वेलोसिटी से चलेंगी, जिसे कि वी फाइनल कहा जा रहा है, पूरे सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी। तो ये तो फिर भी थोड़े काम का है, ये आपके काम का नहीं। हम डेरिवेशन के लिए जरूर ऐसा कुछ देख रहे हैं, पर ये इस पर तो आप फिर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट बेसिक फॉर्मूला हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का। इस पे तो फिर भी मैंने 2 स्टार दिए हैं, इस पे मैं कोई स्टार नहीं दे रहा हूं, बल्कि तो मैं क्रॉस भी लगवा रहा हूं। इसका एक ही मकसद है कि थोड़ी मैथमेटिक्स लिखने की आपकी आदत बन जाए और ये वापस रिवाइज हो जाए कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम रहती है। अब इसमें मैं बोल रहा हूं कि इफ टारगेट इज इनिशियली एट रेस्ट, और आगे जा रहा है टारगेट इज इनिशियली एट रेस्ट, तो वी को इनिशियल एक तो मैं 0 डालूंगा और दूसरे वी फाइनल का भी मेरे पास फॉर्मूला आया था, और वी फाइनल का भी मैं फॉर्मूला अभी स्टेप नहीं करूंगा, अभी तो मैं यही करता हूँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर टारगेट इनिशियली रेस्ट है तो ये हो जाएगा हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v फाइनल का स्क्वायर। अभी ऐसा हो जाएगा, मैंने वी फाइनल इस ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, ये भी एक्चुअली मेरे काम का नहीं। हाँ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं, जो कि कई बार शायद आपको बेसिक से करने चाहिए। ये इक्वेशन न्यूमेरिकल में डायरेक्ट अप्लाई होती है, इसको भी मैं 2 की जगह 4 स्टार कर देता हूं, इससे आप ज्यादा स्टार दीजिए। 5 स्टार में किसी फाइनल शॉर्टकट जो फाइनल फॉर्मूला डिराइव होगा उस पर दूंगा। हाँ, ये डेरिवेशन आपको 2-4 बार करके देखना तो चाहिए, क्योंकि तभी आपका जो मैथमेटिकल फोबिया है वो धीरे धीरे निकलेगा। ये बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैंडल करने का फोबिया, इतनी इक्वेशन हम सिर्फ दूर से देखते हैं, गहराई में समझने की कोशिश नहीं करते। एक एक टर्म को इंडिविजुअली लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूर से आप देखेंगे तो कहेंगे पता नहीं ये क्या क्या लिखा हुआ इतना सारा। मैंने इस वाले टर्म को उठा के 0 डाल दिया, क्योंकि ये टारगेट ये टर्म 0 था, तो पूरे सिस्टम में सिर्फ पहले काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी में है, सेकंड बॉडी में तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, और बाद में ये VF कॉमन ले लिया। अब मैं VF का फॉर्मूला निकालने के लिए फिर से जरा डेरिवेशन करता हूं, m1 v1 i इसी को m1 प्लस m2 vf, इससे मैं VF निकाल के उस इक्वेशन में डाल दूंगा। VF का फॉर्मूला मुझे याद तो नहीं है कुछ भी, मैंने निकाला मोमेंटम का डेरिवेशन एक बार फिर लगाया, तो पूरे सिस्टम का पहले मोमेंटम सेकंड ऑब्जेक्ट में तो है नहीं, मोमेंटम सेकंड ऑब्जेक्ट में तो है नहीं, पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम।
अब इस vf को निकाल के इसमें डाल दिया जाए तो ये लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, इसे इग्नोर किया जा सकता है, करना तो चाहिए आपको, करना तो चाहिए और कई बार डिराइव करके देखना चाहिए, अच्छा रहेगा, सारा डर निकल जाएगा। कई बार फॉर्मूले लगाने के बजाय सवाल बेसिक से करना ही ज्यादा अच्छा होता है, और ये उनमें से ऐसा ही एक सवाल है जो आप बेसिक से करेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा पर ये सीखने लायक है। तो अब इसने एनसीईआरटी को मैं पढ़ रहा हूँ, इक्वेशन 6.23 में इसने यही लिखा है कि वी फाइनल क्या है और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में अब ये पुट कर रहा है, और वो फिर मैं बीच के थोड़े से स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ, यहाँ मैं स्टेप्स स्किप कर सकता हूँ और मैं आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला दे सकता हूँ। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल फॉर्मूला है वो है हाफ अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो डायमेंशनली ये हाफ एम वी स्क्वायर तो होना चाहिए, तो ये वाला टर्म डायमेंशनली एन ही है, ऊपर एम स्क्वायर है और नीचे कोई एन है, तो डायमेंशनली एन है और यहाँ वेलोसिटी आनी चाहिए, ये हाफ हो गया, ये डायमेंशनली एम वन एम टू अपन एम वन प्लस एम टू एक मास हो गया, क्योंकि मास प्लस मास भी मास ही होता है, ऊपर एम इंटू एम है और नीचे एम प्लस एम है, और एम प्लस एम डायमेंशनली एम होता है, ये हाफ हो गया, ये एम हो गया, और अगर ये वी स्क्वायर होना चाहिए तो कौन सी वेलोसिटी का स्क्वायर है? मुझे सवाल में सिर्फ एक वेलोसिटी पहले से दी गई थी और वह है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखने है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें ये वैलिड है ओनली इफ वी टू इनिशियल फिजिकल वेलोसिटी। पेपर में यही आएगा आपको, पेपर में यही आएगा, इसलिए इस पे 5 स्टार दे दिए जाए। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक पॉडस या कंप्लीटली इनइलास्टिक पॉडस इन कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन दिस टारगेट इज इनिशियली एड्रेस्ड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखने में कोई तकलीफ ज्यादा है नहीं भाई, हाफ एम बी स्क्वायर, अब मासेस दोनों के ही आने चाहिए, तो एम वन एम टू अपन एम वन प्लस एम टू करेंगे, और वेलोसिटी तो एक वही ले सकते हैं जो सवाल में पहले से दी थी, सवाल में एक इनिशियल वेलोसिटी ही तो दी थी, बस वो टारगेट तो रेस्ट पे है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी तो दी थी, ये सब तो कैलकुलेशन के इंटरमीडिएट स्टेप थे, कैलकुलेशन के इंटरमीडिएट स्टेप भूल जाइए। अब आप अच्छा तो रहेगा कि आपने कई बार डिराइव करे, इनको अपनी हैबिट में ले आए, अच्छा तो रहेगा आपने कई बार डिराइव करें, और नहीं तो फिर सीधे रटें। लॉस एंड काइनेटिक एनर्जी के आपको दो फॉर्मूले याद करने चाहिए, लॉस का बेसिक फॉर्मूला है हाफ एम वन वी वन इनिशियल स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ एम वन वी वन फाइनल स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू फाइनल स्क्वायर। सबसे बेसिक फॉर्मूला तो ये, सबसे बेसिक फॉर्मूला ये है जो न्यूमेरिकल में आपको कई बार काम आएगा, पर एग्जाम में क्वेश्चन केवल इसी पर एक्सपेक्टेड है। वो सवाल में आपको पढ़ना तो जरूर पड़ेगा कि उसने बोला है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, और एक और कंडीशन के इनिशियली टारगेट रेस्ट पर है, वी टू आई कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ एक ही वेलोसिटी उसने दी है कि वी वन आई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वो नाम प्रोजेक्टाइल यूज करे या ना करे, जो भी एक वेलोसिटी दी है बस वो ले लेना, मास दोनों ले लेना, और हाफ का टर्म तो तुम लोगे ही लोगे, तो ये फॉर्मूला याद करने में कोई तकलीफ नहीं। डेरिवेशन में तकलीफ है तो मैं तुम्हें शायद समरी लिखवा सकता हूँ, यहाँ कुछ लिखता हूँ कुछ और क्या है, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ समरी लिखवा देता हूँ, पॉजिटिव क्वांटिटी इज एक्सपेक्टेड। अच्छा ठीक है, देखिए समरी ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, समरी ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और खाली समरी भी फिलहाल काम, इससे आपका काम चल जाएगा, समरी से आपके सारे न्यूमेरिकल और इवन थियोरी के क्वेश्चन बन जाएंगे जो मैं भी समरी दे रहा हूं आपके, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हाँ अच्छे आसान सवाल होते हैं। नंबर वन लिख दीजिए कि आफ्टर द कोलिजन बोथ मूव विद कॉमन वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन द मास एम वन प्लस एम टू मूव विद कॉमन वेलोसिटी वी एफ। सर प्लीज आप रिपीट कर देंगे सेंटेंस, आफ्टर द कोलिजन
the mass m1 plus m2 after the collision, the mass m1 plus m2 moves with common velocity vf. After the collision, the mass m1 plus m2 moves with common velocity vf. फिर नंबर टू में नंबर टू लिख दीजिए मोमेंटम कंजर्वेशन. नंबर टू लिख दीजिए मोमेंटम कंजर्वेशन m1 v1 i plus m2 v2 i is equal to m1 v1 f plus m2 v2 f. ये मोमेंटम कंजर्वेशन है. इसमें मैं इफ v2 i is equal to zero और ऑफ कोर्स मैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं, तो v1f इज इक्वल टू v2f इज इक्वल टू vf, m1 v1 i plus 0 इज इक्वल टू m1 plus m2 into vf. तो सेकंड रिजल्ट जो तुम्हारे को काम आएगा वो ये है m1 upon m1 plus m2 और वेलोसिटी दोनों ने बस v1 इनिशियल दी. यहां मैंने फिर से डेरिवेशन करा दिया. मुझे अगर समरी दे रहा था तो डेरिवेशन कायदे से नहीं कराना चाहिए था. तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में शायद खाली ये फॉर्मूला लिखिए, मुझसे तो नहीं रहा गया. मैंने तो एक बार आसान सा था, इसकी कंप्लीट की आदत डालना चाहता था मैं, तो मैंने पूरा डेरिवेशन फिर से कर दिया. अगर सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर उसने कहा है कि m2 इज एट रेस्ट, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा. और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तो टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो जो फाइनल कॉमन वेलोसिटी होगी, जो टक्कर के बाद कॉमन वेलोसिटी होगी m1 plus m2 मास की, उसका ये फॉर्मूला आएगा. ये दूसरा रिजल्ट हो गया. बस इसी को ध्यान करें, बेसिक्स डेफिनेटली ज्यादा लाभदायक रहेंगे लॉन्ग रन में, पर एटलीस्ट फॉर नाउ आप इससे काम चला सकते हैं. मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के बैठ जाएं टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वाले बुक से और किसी भी पब्लिशर की, और उसके बाद आप नोट सामने खोल के रखें और क्वेश्चंस करें. अगर क्वेश्चन कोई बन गया आपसे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, और नहीं तो आप बंद कर देना, मत करना सवाल, फिर मेरी जान खाना. ओके, उसमें तीसरा रिजल्ट है लॉसन के ई. लॉसन के ई, अब मैं डायरेक्टली आपको वही केस बता रहा हूं कि भाई m2 इज एट रेस्ट और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ये तो हम हेडिंग में लिख ही चुके हैं. m2 रेस्ट में है, तो लॉसन के ई का फॉर्मूला अगली बार हम डायरेक्टली लिख रहे हैं. यही हमारा थर्ड नाम का रिजल्ट है और वह हाफ एम फिर बी स्क्वायर. एम की जगह में m1 m2 अपॉन m1 plus m2 ले लेता हूं और v तो मैं वही लूंगा जो मुझे सवाल में दी गई. इसको मैं बोल सकता हूं गिवन वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी दी है उसका, जो तुमको जो नाम रखना पसंद है वो रख लो, जो एक वेलोसिटी उसने दी है वही तो तुम ले सकते हो, और क्या ले सकते हो. बस ये फॉर्मूला तब वैलिड है केवल जब फाइनल काइनेटिक, जब m2 रेस्ट पर है, m2 रेस्ट पर है, सेकेंड जो टारगेट है जिसको टक्कर पड़ी है वो पहले से रेस्ट आराम से बैठा था, और ऑफ कोर्स परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ही आएगा, इसलिए आप डायरेक्ट ये फॉर्म न्यूमेरिकल लगा सकते हैं. एक मैंने थियोरी की बात बताई कि फाइनली दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दूसरे मैंने जो कॉमन वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला बताया, और तीसरे मैंने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया. बस ये दो टाइप के न्यूमेरिकल ही शायद आपसे एक्सपेक्टेड है. एक तो वो कॉमन वेलोसिटी पूछ के छोड़ देगा, और अगर ज्यादा लंबा उसको रायता फैलाना हुआ तो आपसे कहेगा कई लॉस्ट बताइए. ओके, अब कहता है कंसिडर नेक्स्ट एन इलास्टिक कोलिजन. तो हेडिंग दे दीजिए इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो मैं एक बार ये डायग्राम बना तो लेता हूं. ये m1 यहाँ जा रहा है और ये m2 यहाँ जा रहा है, ये मेरी थीटा 1 और थीटा 2 है, और अब बोल देते हैं थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल 0. इसलिए केस ऐसा है कि ये m1 है, ये m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 इनिशियल है, इसकी वेलोसिटी v2 इनिशियल है, और टक्कर के बाद ये अब यहाँ जा रहा है,
इसकी वेलोसिटी ये m1 है, ये m2 है, सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी टक्कर के बाद v1 फाइनल है और इसकी वेलोसिटी टक्कर के बाद v2 फाइनल। ये v1 है, ये भी v1 है क्योंकि ये 1 की वेलोसिटी है, पर टक्कर के पहले तो v1 इनिशियल है और ये बाद में है तो सब फाइनल ही आएगा। ये ड्यूरिंग द कोलिजन, कोलिजन इस समय होता हुआ फॉर्म ऑफ डिपिक्ट किया गया है। तो इस डायग्राम को तो कभी दोबारा देखा ही ना करें, आप केवल इसी को अपने दिमाग में भरे। अब अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन के वर्टिकल्स में कायदे से, बहुत कायदे से तो आपको दो इक्वेशन बनानी चाहिए, एक है मोमेंटम कंजर्वेशन की और सबसे इंपॉर्टेंट बात है के ई कंजर्वेशन। मैंने आपको कल याद तो दिलाया था कि एक्चुअली तो के ई कंजर्वेशन से ही आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो मुझे उम्मीद है कि खाली के ई कंजर्वेशन से ही काम चल जाएगा, तो अच्छा कोई अच्छा तगड़ा सवाल आया था। खैर इस समय जो एनसीईआरटी में डेरिवेशन दिया है उसके लिए हम दोनों इक्वेशन बना लेते हैं। पहले हम याद दिला देते हैं, पहले लिख दीजिए इन एन इलास्टिक कोलिजन, in an elastic collision both momentum and ke are conserved, elastic collision mein momentum bhi conserved hai aur ke bhi conserved hai, to hum dono ki equations likhte hain, likh dijiye number 1 dal dijiye। Acha isme bhi ye ek kaam kar raha hai to ye aap throughout yahi kar lijiye, aap bhi likh dijiye considering considering m2 at rest initially, initially m2 rest पर है, यही बात वो थ्रू आउट मान के चल रहा है, यही बात मान के चल रहा है। और मैं तो आई एम पर्टिकुलरली ऑफ द ओपिनियन कि जो केसेस एनसीईआरटी में दिए गए हैं, मेरे को तो पूरा विश्वास है फिलहाल अभी के हिसाब से, जैसे कि पेपर्स अभी देखने को मिल रहे हैं, इवन जेई मेन के जो पेपर आ रहे हैं ये बड़ा क्लियर है कि एनसीईआरटी में जो केसेस दिए गए हैं बस वही आपको करने हैं, उन्हीं के आने की संभावना है, अदरवाइज तो सब कुछ अनलिमिटेड है, कहीं कोई किसी भी चीज का अंत ही नहीं है। एटलीस्ट इनिशियली हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी में दिए गए केसेस को फॉलो करें तो ज्यादा समझदारी होगी। तो साहब वी टू इनिशियल जीरो है, तो अब लिख दीजिए नंबर वन मोमेंटम कंजर्वेशन। ऑफ कोर्स मैं वन डायमेंशन में ही बात कर रहा हूं, तो m1 into v1 इनिशियल प्लस m2 into v2 इनिशियल का टर्म आता जो तो मैं जीरो लिख दूंगा, इस तरह m1 into v1 फाइनल प्लस m2 into v2 फाइनल, m1 v1 इनिशियल इस तरह m1 v1 फाइनल प्लस m2 v2 फाइनल, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होगी। अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, कंप्लीटली इनइलास्टिक है, तो ही केवल टक्कर के बाद दोनों की कॉमन वेलोसिटी होती है, जिसको हम vf लिखते थे, पूरे सिस्टम की एक ही वेलोसिटी होती है। पर ये तो इलास्टिक कोलिजन है, इसमें टक्कर के बाद दोनों सेम कंबाइंड वेलोसिटी से नहीं चलेंगे, दोनों अलग अलग जाएंगे, एक कम चिपक के नहीं चलेंगे, इसलिए वी वन एफ और वी टू एफ नाम लिखना जरूरी है। ये इक्वेशन 6.24 इस समय हो चुकी है। और फिर नंबर टू डाल के लिख दीजिए के ई कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो के ई कंजर्वेशन में कायदे से इक्वेशन ऐसे होनी चाहिए थी, हाफ एम वन वी वन आई का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू आई का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू फाइनल का स्क्वायर। इनिशियल के ही पूरे सिस्टम की पहले टक्कर के पहले और टक्कर के बाद दोनों मासेस के हाफ एम स्क्वायर का सम सेम है, इसको मैं जीरो डाल रहा हूं। सेकंड मास पहले से रेस्ट पे है तो सेकंड मास में कोई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, और सब तरफ से हाफ भी कैंसिल कर दे रहा हूं, ये भी मैं सब तरफ से कैंसिल कर दे रहा हूं, तो मेरी इक्वेशन आ गई m1 v1 m1 v1 i का स्क्वायर m1 v1 f का स्क्वायर m2 v2 F ये मेरी सेकंड इक्वेशन। मुझे जैसे किसी का कोई खास इंटरेस्ट नहीं, इलास्टिक कोलिजन के हम डेरिवेशन कर तो रहे हैं पर हम इनमें कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है, ये जो रिजल्ट्स बीच में आए हैं ये किसी विशेष काम के नहीं है।
अब उसने ऐसा कुछ कर तो लिया है, शायद दोनों इक्वेशंस माइनस कर दिए हैं। अब बीच के कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं इग्नोर कर रहा हूं, अब बीच के कुछ स्टेप्स हैं कैलकुलेशंस के लिए जो कि मैं फिलहाल नहीं कर रहा, किसी भी काम के नहीं है मेरे हिसाब से। हम ये समझ में आ रहा है कि गेज कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं एक रिजल्ट ऑब्टेन कर रहा हूँ, और वो रिजल्ट ये है कि v2 final इज इक्वल टू क्या लिखा है मुझे पढ़ाई नहीं आता रिया, जरा पढ़ के आपके पास। सो यस सर, v1 इनिशियल प्लस v1 फाइनल लिखा है। यस सर। अच्छा, v1 की ही दोनों होने चाहिए। यस सर। v1 इनिशियल प्लस v1 फाइनल, हाँ यही होना चाहिए था। प्रैक्टिस में थोड़ा दिमाग समय पे लगा था, पर जब जरूरत पड़ती है तो थोड़ा ज्यादा हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। भाई जो सवाल में पहले दी गई थी उन्हीं के टर्म्स में तो मैं अपना फाइनल आंसर दे सकता हूँ। मुझे सवाल में ये ना v2 इनिशियल तो जीरो है, v2 फाइनल बची, तो ये v1 की इनिशियल और v1 की फाइनल के टर्म्स में v2 फाइनल मिलेगा। रिजल्ट वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते तो नहीं है, पर है तो एक बढ़िया रिजल्ट है। तो आपको v1 v2 की इनिशियल मालूम है जीरो है, आपको v2 की इनिशियल मालूम है जीरो है, तो अब आपको v2 की फाइनल ही केवल अननोन है। सपोज v1 की इनिशियल तो वो देगा ही देगा, सपोज ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, ऐसा लिख दीजिए दिस फॉर्मूला कैन बी यूज डायरेक्टली to calculate the final velocity of the target. Target पहले से तो rest पे ही था. This formula can be used directly to calculate the final velocity of the target. If we are given initial and final velocity of the projectile. Projectile की मैं वो initial भी दे दे मुझे और projectile की final भी दे दे. मतलब LHS में 2 का टर्म आ रहा है और RHS में सारे 1 के टर्म आ रहा है। LHS में सारे 2 के टर्म है और RHS में सारे 1 के टर्म है। ये इलास्टिक कॉलिजन में खाली वैलिड है, ब्रैकेट में लिख दीजिए वैलिड ओनली इन इलास्टिक कॉलिजन, ओनली इन एन कर देते हैं नहीं तो इन इलास्टिक लगता है, ये खाली इलास्टिक कॉलिजन में वैलिड है। दिस इज वैलिड ओनली इन इलास्टिक कॉलिजन when v2i is zero. अगर v2i zero है तो, अगर second object पहले से rest पे था तो ये formula लगाया जा सकता है। अब ये formula है तो, पर चलिए मैं इस पे 3 stop दे देता हूं। Actually होता तो useful ही है ये, पर इसके सवाल normally paper में कम आते हैं, खाली elastic collision में valid है। Second object initially rest पे होना चाहिए और आपको ये सब उसको देना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल की पहले भी क्या, प्रोजेक्टाइल की बाद में भी क्या। थोड़ा मुश्किल ही है शायद इतना डेटा देगा वो। फाइनली फाइनल तो कोई वैल्यू देता ही नहीं है, वो सब इनिशियली इनिशियल देता है, फाइनल तो कुछ देता नहीं है। एनीवे ये एक रिजल्ट है, मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी में यही दिया गया है इक्वेशन 6.26 के रूप में। अच्छा ये अभी और चल रहा है फाइनली सब्स्टिट्यूटिंग। हाँ अब जो इक्वेशंस आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है, तो मैं इनको अपने तरह से पढ़ाता हूँ आपको और फाइनली इनके रिजल्ट पे आ तो मैं जाऊंगा। आप हेडिंग दे दीजिए, बड़ा ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब होने वाला है जो बहुत टफ भी जाता है। फाइनल हेडिंग दे दीजिए आप, फॉर्मूला ऑफ फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स After elastic collision, formula of final velocities of both the objects after elastic collision. उसने derivation में पहले momentum conservation की equation लिखी, फिर KE conservation की equation लिखी, फिर ये एक result obtain किया।
और अब असली मकसद जो था वो मैं खैर आपको अलग से बहुत ही बढ़िया पढ़ा सकता हूँ। शायद आप यहाँ तक की सारी बातें भूल ही जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारा मकसद ये है कि टक्कर के पहले की हमें वेलोसिटीज पता है, हमें टक्कर के बाद की M1 की भी फाइनल वेलोसिटी बताते आनी चाहिए और M2 की भी फाइनल वेलोसिटी बताते आनी चाहिए। हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए प्रोजेक्टाइल की भी और टारगेट की भी। हाँ, असली मुद्दा तो यही है, असली काम की चीज तो यही है। इसको मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं, मैं कोई डेरिवेशन इसका नहीं दिखा रहा हूं, पर एक बहुत ही सुंदर रिजल्ट आपको दे रहा हूं। जो V1 फाइनल होता है वो होता है 2V कॉमन माइनस U माइनस V1 इनिशियल। V1 की फाइनल चाहिए माइनस V1 इनिशियल, और अगर तुम्हें 2 की फाइनल चाहिए तो वही 2V कॉमन, V कॉमन है ना, वही V फाइनल माइनस V2 बस। ये इनको मैं कहना चाहता हूं कि एक और भगवान आ गए यहां पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। देखिए न्यूमेरिकल आपको या तो परफेक्टली इनइलास्टिक के आएंगे और उसके 2-3 रिजल्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, या फिर इलास्टिक कोलिजन के आएंगे और उसमें फाइनल वेलोसिटी अगर निकालने का क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा लेंथी होता है। ऐसा आप लिख सकते हैं कि दिस न्यूमेरिकल इज यूजुअली नॉट आस्क्ड, ये सामान्यतः पूछा तो नहीं जाता है, बीइंग लेंथी थोड़ा सा लेंथी होता है पर ये पूछा नहीं जाता है। पर आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, आप इसको बहुत सुंदर अपनी ताकत बना सकते हैं। जिस डेरिवेशन को एनसीईआरटी ने कराया था मैं उसे अब आगे परस्यू नहीं कर रहा और मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूं। सर हाँ बोलिए। सर आप दोनों इक्वेशन फिर से रिपीट कर देंगे क्या, एक्सप्लेन कर देंगे क्या? क्या चीज ये सर, वो वीसी क्या है? वीसी ने वी फाइनल अभी पढ़ा ही रहा हूं मैं, वो तो अभी स्टार्ट ही किया तो पढ़ाऊंगा ही मैं, अभी तो हल्का सा ही स्टार्ट किया है। ओके वीसी ने वो वी फाइनल कॉमन वेलोसिटी को मैंने वीसी कहा, ये अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं, याद करना है और इसके आधार पे हमें डिराइव करना है और फाइनली हम वही रिजल्ट दिखाएंगे जो एनसीईआरटी में लिखे हैं। मोस्ट जनरल रिजल्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए ऐसा होता है। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, देखो तुम्हें V1 की फाइनल चाहिए तो तुम्हें V1 की इनिशियल पता होनी चाहिए, तुम्हें V2 की सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल चाहिए तो तुम्हें सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल पता होनी चाहिए, और ये टर्म दोनों में कॉमन आ रहा है, ये टर्म दोनों में कॉमन आ रहा है। यहां मैं बता देता हूं, ये V कॉमन इज टू V फाइनल इज इक्वल टू M1 V1 इनिशियल प्लस M2 V2 इनिशियल अपॉन M1 प्लस M2। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो इक्वेशन आती थी कॉमन वेलोसिटी, जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कॉमन वेलोसिटी थी ना, ये वही कॉमन वेलोसिटी है। लिख दीजिए, दिस इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास एज इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, दिस इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास एज इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और मैं इसमें शुरू से इसको जीरो ले लूंगा। अब जरा इसको जीरो लेके मैं उस इक्वेशन में रख के देखता हूं कि मेरा आंसर क्या आता है। V1 फाइनल के और V2 फाइनल के फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, ये तुम्हें याद हो या ना हो, ये मेरा एक शॉर्टकट है, ये मेरा बनाया हुआ एक शॉर्टकट है, ये आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। दिस कैन नॉट बी रिटन इन स्कूल एग्जाम में आप ये नहीं लिख सकते, पर बड़ा ही सुंदर शॉर्टकट है और बड़ा ही याद रखने में आसान भी है। तुम्हें जिसकी फाइनल चाहिए पहले उसकी इनिशियल बताओ, तो तुम्हें 2 की फाइनल चाहिए तो 2 की इनिशियल बताओ, तो और बीच में ये 2V कॉमन का एक टर्म आ रहा है, जहां V कॉमन यानी कंबाइंड वेलोसिटी, या V कॉमन कह दो या V कंबाइंड कह दो, जो परफेक्टली इनइलास्टिक में V कंबाइंड होता था ना, ये वही चीज है। अब मैं V कंबाइंड की जगह ये डालूंगा मोमेंटम कंजर्वेशन से, जो मैं परफेक्टली इनइलास्टिक पोजीशन पे V कंबाइंड लिखता था, मैं अब वो लिखकर V1 फाइनल निकालने जा रहा हूं। V1 फाइनल का फॉर्मूला है 2V कॉमन माइनस V1 इनिशियल, V1 फाइनल चाहिए ना, तो V कॉमन माइनस V1 इनिशियल, V कॉमन V फाइनल कह सकते हैं, ये परफेक्टली इनइलास्टिक वाला कॉमन नाम मुझे ज्यादा पसंद है। तो V1 फाइनल इज इक्वल टू इनटू M1 V1 I प्लस या M2 V2 वाला टर्म आता है जो कि जीरो हो गया अपॉन M1 प्लस M2 माइनस V1 I, तो हो जाएगा 2 M1 V1 I माइनस M1 V1
माइनस एम टू वी वन आई अपॉन एम वन प्लस एम टू. तो वी फाइनल वी वन का फाइनल व्यवस्थित ये टू और ये माइनस का वन हो गया, तो हो गया एम वन वी वन आई एम वन वी वन आई माइनस एम टू वी वन आई अपॉन एम वन प्लस एम टू. तो वी वन की जो फाइनल व्यवस्थित है उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू और v1 position. ये फॉर्मूला डायरेक्ट एनसीईआरटी ने दिया है इक्वेशन नंबर 6.27 के रूप में, देख लीजिए मैच कर गया है हमारा. हाँ ये याद करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली आपको याद करना पड़ेगा. या तो आप मेरा तरीका अपनाइए और एग्जाम में डेरिवेशन करिए बैठ, और अगर आपने दम है शायद आप इसको कितनी बार भी ट्राई कर लें शायद इसमें कॉन्फिडेंस आ पाना मुश्किल. हाँ तो सकता है 20-25-30 बार कम से कम रिवीजन चाहिए अलग अलग मौकों, कम से कम एक एक घंटे के बाद या एक एक दिन के गैप के बाद यू नीड 30-40 रिवीजन, तो इसमें कॉन्फिडेंस आपको आ तो सकता है. ज्यादा अच्छा ये है कि शुरू में आप डिराइव करिए. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, ये किसी भी दुनिया की किसी भी किताब में यह फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है आज की तारीख में. ये याद कर सकते हो तो कर लीजिए, फाइनल रिजल्ट हमें यही चाहिए. इसके पहले मैंने इलास्टिक कोलिजन में जितने भी स्टेप्स यहाँ कराए, मैंने एक मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा, एक काइनेटिक के ही कंजर्वेशन लिखा, फिर उसको सॉल्व करके एक इक्वेशन निकाली थी कि वी टू फाइनल इज इक्वल टू वी वन इनिशियल प्लस वी वन फाइनल, जिस पर मैंने 3 स्टार दिए थे. इस पर मैं 5 स्टार दे रहा हूँ आपको, मुझे स्टेप से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है. आप बेसिक से करते हैं कि आप ये करते हैं. हाँ ये एग्जाम में आता है, थोड़ा कम आता है, लिख 5 स्टार तो दे रहा हूं पर बोल सकते हैं स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेंदी है सॉल्व कर, यहां तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है, लोगों को याद नहीं रहता है, इसलिए इसके सवाल आप खुद पीवाईक्यू गवाह है इस बात के क्या इसके सवाल कम आए. इलास्टिक कोलिजन कंपैरेटिवली हमें लगता है आसान है, इन इलास्टिक कोलिजन नाम सुनते ही हमें लगता है कि ये हमसे नहीं बनेगा, पर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एक्चुअली ज्यादा आसान है. इलास्टिक कोलिजन की भी तुलना में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ज्यादा आसान है. इसी तरह में आप हेडिंग दे सकते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ टारगेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ टारगेट इन एन इलास्टिक कोलिजन, टारगेट की फाइनल वेलोसिटी इलास्टिक कोलिजन और ब्रैकेट में टारगेट इनिशियली इज एट रेस्ट. टारगेट की फाइनल वेलोसिटी चाहिए, टारगेट की फाइनल वेलोसिटी चाहिए और ये टारगेट की इनिशियल वेलोसिटी, ये टारगेट की इनिशियल वेलोसिटी है. तो ये तो बड़ा ही अच्छा है, ये वाला ये निकालना तो फिर भी ज्यादा आसान है क्योंकि टारगेट की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है, ये तो और भी आसान हो गया. तो v2 फाइनल इज इक्वल टू v कॉमन, v कॉमन होता है m1 v1 i प्लस m2 v2 i अपॉन m1 प्लस m2, पर इसमें v2 i जीरो है. तो v2 फाइनल का फॉर्मूला होगा 2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू वो वेलोसिटी जो सवाल में थी, ये वापस 5 स्टार हो गए. ये ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली, पर ठीक है. फाइनल वेलोसिटीज निकालना इज द रियल चैलेंज, फाइनल वेलोसिटीज निकालना ही असली चैलेंज है. यही 2 चीजें 5-5 स्टार की हैं. मैं आपको अच्छा अभी तो और भी रिजल्ट्स हैं चलिए आते हैं आगे. कहता है दस द अननोन कहते दस दी अननोन जो वेलोसिटीज थी, यानी फाइनल वेलोसिटी 1 की और फाइनल वेलोसिटी 2 की, और इन टर्म्स ऑफ नोम्स जो आपको दिया गया है वो m1 दिया गया है, m2 दिया गया है और इनिशियल वेलोसिटी 1 की दी गई है. इन्हीं के टर्म्स में m1 के टर्म्स में
m2 के टर्म्स में और प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में हमने दोनों की फाइनल वेलोसिटीज निकाल दी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर और उसमें स्पेशल केस ऑफ आवर एनालिसिस आर इंटरेस्टिंग, केस वन पढ़ा रहा है ये, और ये वाले एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इनको पढ़ाने के बाद आपको कंप्लीट समरी दे दूंगा। तो इसे मैं क्वेश्चन के रूप में लिख सकता हूं आपसे, एक क्वेश्चन लिख दीजिए और बहुत एक्चुअली तो पेपर में सिर्फ यही दिखता है आपको। क्वेश्चन लिख दीजिए कि द टू मासेस आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है इक्वल, टू मासेस आर आइडेंटिकल, एंड इनिशियली द टारगेट इज एड्रेस्ड, इनिशियली द टारगेट इज एड्रेस्ड, दे अंडरगो इलास्टिक कॉलिजन, इनमें इलास्टिक कॉलिजन होता है, तो कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ, इलास्टिक कॉलिजन है और सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इलास्टिक कॉलिजन है और सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो मैं ये जो v1 f के और v2 f के जो मैंने फॉर्मूले याद किए हैं, मैं इनमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल तो सकता हूं, पर मुझे v1 f और v2 f अभी याद नहीं है, इसलिए हम बेसिक से ही करना ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, हमें दिया क्या है, m1 is equal to m2 is equal to maybe m, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। फिर अगर उसने ये बोल रहा है तो v2 इनिशियल है और जीरो है और मुझे v1 f भी निकालना है और मुझे v2 f भी निकालना है, मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है, मासेस आइडेंटिकल हैं। मैं एकदम बेसिक से शुरू करता हूं, बेसिक यानी ये v1f is to be common माइनस v1 फाइनल चाहिए ना, तो इसीलिए इनिशियल। अब v कॉमन में देख लेता हूं, पहले v कॉमन होता है f1 v1i plus m2 v2i upon m1 plus m2, ये v कॉमन, तो v2i तो जीरो दिया है, ऐसे सेकंड ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रखा है, तो v कॉमन तो मैं यहां पे डाल देता हूं, v1 फाइनल। अच्छा मासेस इक्वल है, फिलहाल अगर मासेस इक्वल है तो एक काम हम और करेंगे, ये हो जाएगा m v1i upon 2m, m और m कैंसिल हो जाएगा, तो अब की बात जो कॉमन वेलोसिटी है वो है v1i by 2। v कॉमन हर बार ध्यान से अगर आप निकाल लेंगे, जैसा कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में निकालते थे मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब इसको मेरा यहां डालना बड़ा आसान हो जाएगा, v1 फाइनल v2 into v कॉमन, v कॉमन है v1i by 2 minus v1i, ये कैंसिल हो गया और फिर तो आंसर जीरो। प्रोजेक्टाइल ने आके टारगेट को टक्कर मारी, टारगेट पहले से रेस्ट पे था, अब प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, पहले टारगेट टक्कर के पहले टारगेट रेस्ट पे था और टक्कर के बाद प्रोजेक्टाइल रेस्ट पे आ जाएगा, ये शायद बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, आप इस तरह से डेरिवेशन स्कूल एग्जाम में नहीं दिखा सकते, स्कूल एग्जाम में तो जो फॉर्मूला वी वन एफ और वी टू एफ का है वो आपको याद करना पड़ेगा और उसमें एम वन को एम टू डालना पड़ेगा। वी वन एफ का फॉर्मूला याद करिए, वी टू एफ का फॉर्मूला याद करिए, वी वन एफ का फॉर्मूला था वहां माइनस एम वन माइनस एम टू अपन एम वन प्लस एम टू, तो जब आप एम वन को एम टू डाल देंगे तो न्यूमरेटर में एम वन माइनस एम टू जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमने याद किया है वी वन एफ का, वो है एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इनटू वी वन इनिशियल। अब मासेस अगर बराबर है तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये अगर आपको याद हो जाए तो आप इसी से कर लीजिएगा। और इसी तरह आखिरी बात हम इसको करते हैं, आखिरी बात हम इसमें ये कर रहे हैं कि v2 f निकालना है इसी केस में, पार्ट बी लिख दीजिए कि इन द अबव फाइनल वेलोसिटी शायद लिखा था हमने, खैर अपन निकाल रहे हैं v2 f। अगर v2 f का तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, v2 f का फॉर्मूला तुम्हें ये याद है कि 2m इस
चलिए इसी से करा देता हूं मैं, वी टू एफ का फॉर्मूला हो जाएगा वी वन इनिशियल। तो फैसला हम एक इम्पोर्टेंट फैसला ले सकते हैं कि जब भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा आइडेंटिकल मासेस में तो टक्कर के बाद वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। लिख दीजिए सुपर इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, सुपर इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। और सुपर इम्पोर्टेंट कंक्लूजन यही है कि इफ मासेस आर इक्वल, अगर मासेस इक्वल हैं और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, मासेस इक्वल हैं और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज्ड, आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज्ड। हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 5 स्टार भी लिख दीजिए और 5 बार वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इजिएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा बार पेपर में यही आया है। के बाद क्या लिखना है? मैंने ये कहा है कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और मासेस इक्वल हैं, तो आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज, आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी गेट एक्सचेंज। आप यहां देख लीजिए कि ये आया था वी वन आई से, ये आया था वी वन आई से और ये रेस्ट पे था, वी टू आई वर्क था जीरो और टक्कर के बाद V2 फाइनल हो जाएगा V1 इनिशियल और V1 फाइनल हो जाएगा जीरो। ये पहले इसकी जीरो थी, इसकी इनिशियल जीरो थी, तो इसकी फाइनल जीरो हो जाएगी। जो A की जो 1 की वेलोसिटी थी ना वो 2 को मिल जाएगी और जो 2 की वेलोसिटी थी वो 1 को मिल जाएगी। देखिए ना, 1 की ये पहले वेलोसिटी और 2 की ये बाद में वेलोसिटी और 2 की ये पहले वेलोसिटी और अब ये 1 की बाद में वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। जो प्रोजेक्टाइल की इनिशियल होती है वो टारगेट की फाइनल हो जाती है। नाउ यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ डेरिवेशन और एनीथिंग, नो सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। इस बात को ध्यान रखिए, मैं और क्लियर करने के लिए आपको और न्यूमेरिकल दे देता हूं, पर ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा बार जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आया है वो यही है। कॉलिजन का चैप्टर अगर आपको छोड़ के जाना है फाइनली, आप 2 साल पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, जिसका कि खैर एक ही कारण है, बैकलॉग। अगर आप इसके रिवीजन टाइम टाइम पे नहीं करेंगे तो इवेंचुअली ऐसा हो ही जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं एग्जाम में मैं ये नहीं कर सकता, मुझे तो छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर टाइम टाइम पे शॉर्ट नोट्स ही खाली रिवाइज करते रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस क्वेश्चन के पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो यही है कि दोनों मासेज आइडेंटिकल है, बस इनकी वेलोसिटीज बाद में बताई। मैं इसको एक क्वेश्चन आपको रूप में आपको लिखवा देता हूँ, ये सब आप छोड़ दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन लिखिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मासेस इक्वल है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मासेस इक्वल है और मैं ए और बी का नाम दे रहा हूं 1 और 2 की जगह। लिखिए वी ए इज 2 मीटर पर सेकेंड, वी ए है 2 मीटर पर सेकेंड मतलब इनिशियल, वी ए इनिशियल इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड वी बी इनिशियल इज -3 मीटर पर सेकेंड। VA initial is 2 meter per second and VB initial is -3 meter per second. Calculate their final velocities. Calculate their final velocities. तो जो VA final होगा ना वो VB initial होगा, यानी कि -3, और जो VB final होगा ना वो VA initial होगा, यानी कि +2। बस ये सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार, क्योंकि पेपर आसान बनाए जाते हैं इसलिए सबसे ज्यादा बार पेपर में ये क्वेश्चन आया है। अगर मासेज इक्वल हैं और भले ही सेकंड रेस्ट पे है या नहीं है, मासेज इक्वल हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए दिस इज ट्रू इवन व्हेन द सेकंड ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट, दिस इज ट्रू इवन व्हेन द सेकंड ऑब्जेक्ट द टारगेट इज नॉट एट रेस्ट, जिसको टक्कर पड़ी है अगर वो रेस्ट पे नहीं है तो भी ये रिजल्ट वैलिड है। कि एक ही शर्त है कि मासेज इक्वल होने चाहिए और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। खाली इलास्टिक का मतलब परफेक्टली इलास्टिक ही होता है, खाली इलास्टिक का मतलब परफेक्टली इलास्टिक ही होता है, बस वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। ए की जो फाइनल है वो बी की इनिशियल के बराबर थी और बी की जो फाइनल है वो ए की इनिशियल के बराबर है। इसमें अगर कोई चिंता की बात है तो वो ये कि उसने फाइनल ए की मांगी है और फिर बी की मांगी है, या पहले बी की मांगी है और फिर ए की मांगी है, केवल वही गलती होती है, बाकी तो सबको पता है कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है।
नो डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड, नो सपोर्ट इज रिक्वायर्ड. ये तो आप चाह के भी भूल ही नहीं पाओगे, कंफ्यूज भी नहीं होगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस रिजल्ट में. तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन के सही जाने की है. नो एफर्ट इज रिक्वायर्ड, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रैप तो करेगा. वार्निंग लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए कि चेक वेदर वी ए ऑब्लिक वी बी इज आस्क्ड और वी बी ऑब्लिक वी ए इज आस्क्ड. इस फाइनल वेलोसिटी मांगी है, पर पहले ए फिर बी की बतानी है, या पहले बी और फिर ए की बतानी. फाइनल तो बतानी है, पर पहले किसकी बतानी है, ए की बतानी है कि बी की बतानी है. जो सुपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो पेपर में आपका सबसे ज्यादा साथ देगा, जो पेपर में साथ देगा, वो ये है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और दोनों मासेज आइडेंटिकल हैं. तो टक्कर के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटीज आपको बोलना है एक्सचेंज हो जाएंगी, और तब भी ये वैलिड है जब दोनों के मासेज, दोनों सेकेंड ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे ना हो. अगर M2 रेस्ट पे ना हो तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है. ये सबसे ज्यादा काम का रिजल्ट था. और एक आखिरी बात, अब हम केस टू कर रहे हैं. ये लिख दीजिए, कहता इफ वन मास डोमिनेट्स, यही क्वेश्चन लिख दीजिए. इफ सपोज टारगेट इज मैसिव, इफ टारगेट इज मैसिव देन डिस्कस द फाइनल वेलोसिटीज. इफ द टारगेट इज मैसिव देन डिस्कस द फाइनल वेलोसिटीज. ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, पर हाँ इसे हम बिना किसी डेरिवेशन के पहले, मतलब ऑफकोर्स मैं इलास्टिक कोलिजन की ही बात कर रहा हूं, इलास्टिक कोलिजन की ही बात कर रहा हूं. तो लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल, Example, a wall collides with a, sorry, a ball collides with a wall. ये mass m1 है, इसकी velocity v1 initial है, और ये एक दीवार से टकरा रही है, ये m2 है, m2 है, और चलो इसकी initial velocity zero है, दीवार तो rest पे ही है, पर ये massive है, the target is massive, target massive है. तो हम तो इस केस को बचपन से जानते हैं कि दीवार पे अगर जाके गेंद टकराएगी तो दीवार का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, दीवार की वेलोसिटी तो अनचेंज रहेगी, V2 फाइनल जीरो ही रहेगा, और V1 इनिशियल जो था वो अपनी डायरेक्शन को बस रिवर्स कर लेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा. परफेक्टली इलास्टिक अगर कोलिजन हो रहा है मैसिव ऑब्जेक्ट से, तो हल्का ऑब्जेक्ट बस रिवर्स हो जाएगा. प्रूव हम कर लेते हैं, पर शायद रिजल्ट प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये उतना ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है. एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन ज्यादा तब देखा गया है, एक तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और परफेक्टली इलास्टिक में तब का केस जब मासेज आइडेंटिकल होते हैं. दो ही टाइप के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है. खैर इसमें आप लिख दीजिए, द लाइटर ऑब्जेक्ट रिवर्सेज इट्स वेलोसिटी, लाइटर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड, हल्के ऑब्जेक्ट को वापस लौटा दिया जाता है, एंड द मैसिव टारगेट रिमेन्स एट रेस्ट. जो भी मैसिव ऑब्जेक्ट है, जो मैसिव वाला है उसको तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, मैसिव वाले को तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है. अब मासेस इक्वल तो नहीं है, अब मासेस इक्वल तो नहीं है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है. इफ वन मास डोमिनेट्स, for example m2 is greater than m1, heavier mass is undisturbed while the lighter mass reverses its velocity. to isme main yahi formula use kar leta hu, main prove kar raha hu jo important nahi hai, ye hai m1 minus m2 upon to m1 plus m2 hi aayega into d1 initial. agar elastic collision ho और टारगेट रेस्ट पर है, इस समय तो टारगेट एक दीवार है जो कि रेस्ट पे है, तो V1 फाइनल को इस तरह से निकाला जा सकता है. अब अगर उसने बोला है M2 is much much better than M1, तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि M1 को जीरो डाल दो. हालांकि ज्यादा अच्छा ये है कि M1 by M2 will be much much less than 1. M2 बहुत बड़ा है ना, तो M1 is much much less than M2. तो M1 by M2 is much much less than 1. तो एक्चुअली M1 by M2 को जीरो पुट करना सो. कई बार ये सेफ नहीं होता है, हालांकि M1 को इस समय जीरो डाला जा सकता है, M2 की तुलना में M1 को जीरो डाला जा सकता है, पर बेटर प्रैक्टिस तो यही है, सेफ चलना हो, कभी भी गलती ना करनी हो, तो आपको कायदे से M1 by M2 को जीरो डालना सीख. मैं इस इक्वेशन को, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसे M2 से डिवाइड कर देता हूँ, M2 से डिवाइड कर देता हूँ,
अपॉन एम वन बाय एम टू प्लस एम टू बाय एम टू, एम टू बाय एम टू को वन डाल देता हूँ, वी वन फाइनल हो जाएगा, एम वन बाय एम टू है जीरो, ये है माइनस वन अपॉन ये जीरो प्लस वन, और ये है वी वन इनिशियल। तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास, जो वी वन फाइनल है वो माइनस वी वन इनिशियल है। इस प्रूफ को आपको करने की जरूरत नहीं है, पहले तो खाली रिजल्ट याद करिए, और जब रिजल्ट याद हो जाए और आपको न्यूमेरिकल में उसे यूज कर पाए तब आपकी कभी इच्छा हो सकती है कि आप ये डेरिवेशन देखें। डेरिवेशन देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, पर ये दिया भी नहीं है कंप्लीट एनसीईआरटी में, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये सिखाना था कि एम वन बाय एम टू को जीरो डाला जाना चाहिए, और एम टू बाय एम टू को तो आप वन ही डालेंगे। रिजल्ट हमारा पक्का हो गया कि वन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो वन की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, पर माइनस साइन के साथ है। तो जो हल्का ऑब्जेक्ट होता है ना वो टक्कर के बाद रिवर्स हो जाता है, हल्का जो ऑब्जेक्ट होता है वो टक्कर के बाद उसका मोशन रिवर्स हो जाता है। इसी तरह बस एक लास्ट रिजल्ट और कर रहे हैं, हम वी टू फाइनल निकाल रहे हैं, तो शायद आपको एम टू वी टू फाइनल चाहिए, अपॉन एम वन प्लस एम टू तो आएगा, जब डेरिवेशन हमने किया होगा तो M2 का टर्म तो बचेगा नहीं। और ये टू M1 हमारे पास तो डेरिवेशन में तो यही टर्म बचेंगे, डेरिवेशन में तो यही टर्म बचेंगे, क्योंकि जब डेरिवेशन किया था तो ये M2 रेस्ट वाला लेके किया है, तो न्यूमरेटर में M2 का टर्म तो कुछ भी नहीं आएगा, तो सिर्फ M1 और उसी के वेलोसिटी का टर्म आएगा। अब फिर से मैं M2 is much much greater than M1, so M1 is much much less than M2, so M1 by M2 is much much less than 1, जैसे मैं इसको जीरो डाल सकता, तो मैं M2 से फिर से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को भी मैं M2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और डिनोमिनेटर को भी पूरा मैं पूरी इक्वेशन को M2 से डिवाइड कर रहा हूं। हालांकि आप यहां M1 को अभी जीरो डाल दीजिए तो पूरा आंसर ही जीरो आ जाएगा, चलेगा। M1 पर M2 को जीरो डालने का हक है मुझे, अपॉन M1 पर M2 जीरो है और ये प्लस वन है, ये तो आंसर ही जीरो हो जाएगा। यहां मुझे V1 इनिशियल फॉर्म लिखना चाहिए था, V1 इनिशियल लिखना चाहिए इनटू V1 इनिशियल, पर फिर ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहां क्लियर हो गया कि हाँ भाई जो मैसिव ऑब्जेक्ट है वो तो टस से मस होने से रहा, उसकी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो रहेगी, वो पहले भी जीरो थी और बाद में भी जीरो है, रिजल्ट हमारे कंफर्म हो गए। मैं आपको इलास्टिक कोलिजन की अब तक की कंप्लीट समरी दे देता हूं, लिख लीजिए समरी ऑफ इलास्टिक कोलिजन, समरी ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो नंबर वन तो आप डाल के लिख दीजिए, इलास्टिक ऑल्सो मीन्स परफेक्टली इलास्टिक, खाली इलास्टिक बोला है तो उसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक। नंबर टू, मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व, एम वन बी वन आई प्लस एम टू बी टू आई इज इक्वल टू एम वन बी वन एफ, सॉरी एम वन हाँ बी वन एफ प्लस एम टू बी टू एफ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होता है। नंबर थ्री, के ई इज कंजर्व, हाफ एम वन बी वन बी वन आई का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू बी टू आई का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वन बी वन एफ का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू बी टू एफ का स्क्वायर, के ई कंजर्वेशन। मैं फिलहाल सेकेंड ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे नहीं लेते हुए जो इक्वेशन आई थी वो लिख दी मैंने, मोमेंटम कंजर्वेशन और के कंजर्वेशन की तो पूरी पूरी इक्वेशन लिख ली थी। फिर इसका एक रिजल्ट आया था कि v2 फाइनल इज इक्वल टू v1 फाइनल इज इक्वल टू v1 इनिशियल प्लस v2 प्लस v1 फाइनल, ये v2 फाइनल, ये तब है, ये तब है v2 इनिशियल इज जीरो, ये मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं मानता, हाँ ये बहुत काम का है, ये ज्यादा काम का वैसे ये भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी नहीं, ये काम का है, सॉरी ये तो सबसे सुप्रीम मैंने बताया था आपको,
वो समय ही बताएगा आपको। ये ज्यादा काम का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप देखेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहे हैं। ओके, और फिर सबसे रिजल्ट ये भी है कि अगर वहां से नहीं, अगर इसके बाद मैंने बताया था v1 फाइनल है m1 minus m2 upon m1 plus m2 डिनोमिनेटर में तो यही आएगा, और मेरे को तो एक ही लॉजिक पता है v1 इनिशियल। और अगर v2 फाइनल चाहिए तो वो है 2 सब ऊपर m1 के ही टर्म आएंगे, ऊपर m1 के ही टर्म आएंगे हमेशा, m1 का मास और m1 की वेलोसिटी। शायद याद हो जाए, अगर याद हो जाए तो डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़िएगा, पहले तो सिर्फ रिजल्ट ही याद करने की कोशिश करें। कई बार इन्हें लिख लिख के करें, शॉर्ट नोट्स में आप केवल यही लिखें, इन्हें अच्छे से याद करें, लिख लिख के याद करें, कई बार शॉर्ट नोट्स बनाएं लिख लिख के, और फिर फाइनल रिजल्ट ये है जो कि खूब काम का है। और ये कि अगर मासेस बराबर है, और ऑफ कोर्स मैं इलास्टिक कोरिलेशन की बात कर रहा हूं, तो वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, मतलब जो v1 फाइनल है वो v2 इनिशियल के बराबर है, और जो v2 फाइनल है वो v1 इनिशियल के बराबर है, इवन इन डायरेक्शन। अगर कोई वेलोसिटी इनिशियली माइनस साइन के साथ आपको दी गई थी, यानी एक इधर जा रही थी और इधर जा रही थी, तो जो साइन जिसके साथ चिपका हुआ था वही दूसरे के साथ चिपका दीजिए, सब कुछ वैसा का वैसा दूसरे के साथ चिपका दीजिए। अगर मासेस इक्वल है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है। और उसके बाद आठवां लास्ट रिजल्ट ये है कि इफ m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1, जो भी एक बहुत मैसेज है, जो भी मैसेज है, मतलब 1 इज मैसेज, 1 ऑब्जेक्ट इज मैसेज, 1 ऑब्जेक्ट इज मैसेज, हाँ परफेक्टली इनलास्टिक कोरिलेशन, तो जवाब यह है कि मैसेज रिमेन्स एट रेस्ट, मैसेज की वेलोसिटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लाइटर ऑब्जेक्ट, जो भी लाइटर था, लाइटर ऑब्जेक्ट रिवर्सेस इट्स वेलोसिटी, अगर वो 10 से गया था तो -10 से लौट के आएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो भारी की सेहत पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हल्का बस सेम वेलोसिटी से लौटेगा, पर डायरेक्शन रिवर्स होगी। रिवर्स इट्स वेलोसिटी विद सेम स्पीड, रिवर्स इट्स वेलोसिटी विद सेम स्पीड। इस तरह सारा का सारा डिस्कशन इलास्टिक कोलिजन्स का समाप्त होता है। थैंक यू।